आजकल स्किन केयर काफ़ी आम हो गया है, लोग अपने स्किन के प्रति जागरूक हो गए हैं। ऐसे में आप भी स्किन केयर करना चाहते हैं तो आपको रूटीन केयरिंग की काफ़ी ज़रूरत है, जिसमें आपके घर में मौजूद सामान और आपकी अच्छी डाइट ही स्किन को लाजवाब बनाने के पीछे उपयोगी है। आइए इन सभी बातों के बारे में जानते हैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट नियति से। गर्मियों में इचिंग का, रेडनेस का, चेहरे पे रेडनेस आ जाना, इचिंग होना, इरिटेशन होना या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना, खुजली होना या फिर बहुत टैनिंग हो जाना समर में, इस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं सब लोग। मैम, गर्मियों में अक्सर जो लोग हैं वो घूमने भी निकलते हैं, बाहर काम से भी जाते हैं, ऐसे में उनकी स्किन को प्रॉपर और ग्लोइंग मेंटेन रखने के लिए आप क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम है जैसे ईचिंग है या रेडनेस है, तब तो पहले इसका इलाज होना चाहिए। और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ सन में टैनिंग होने से बचने के लिए या स्किन को कैसे हेल्दी रखना है इसके लिए अगर बात की जाए, तो जैसे वो उस गर्मियों में सनस्क्रीन लगा के बाहर निकलें, पहली चीज़ सबसे ज़रूरी है, और बड़े साइज के गॉगल्स पहन के निकलें, जो कि इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आइज़ बहुत रेडनेस हो जाती है या ये वाला एरिया अंडर आई वाला झुलस जाता है। दूसरी चीज़ है, वो आप किसी को कॉटन कपड़े से अपने आप को ढक के निकल सकते हैं, कवर करके निकल सकते हैं। इसके अलावा जैसे विटामिन सी को अप्लाई कर सकते हैं, रात में कोकोनट ऑयल फेस पे लगा सकते हैं, या रात में कई लोग घर पे घरेलू नुस्खों के तौर पे जैसे एलोवेरा जेल लगा लेते हैं, उससे आप स्किन हेल्दी बनी रहती है और टैन नहीं होती है। कोई ऐसे मॉइस्चराइजर्स या फिर कुछ सॉल्यूशन आप सजेस्ट करना चाहेंगे जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो स्किन के लिए? हाँ, ऐसे कई सारे ब्रांड्स हैं जिसमें सेरामाइड्स होता है, सेरामाइड का कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र वो ले सकते हैं, या फिर उनके पास घर में अगर अच्छी क्वालिटी का कोकोनट ऑयल भी है तो वो उसे भी लगा सकते हैं, वो भी इस मौसम में काम कर जाता है। बट कोकोनट ऑयल लगा के कभी बाहर ना निकलें, उसे सिर्फ रात में लगाएं। अगर खाने पीने की बात करें तो उसमें हम गर्मी में क्या खा सकते हैं जो स्किन के पोर्स के लिए और स्किन की सेंसिटिविटी के लिए? देखिए, स्किन में गर्मियों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि लोग डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, तो सबसे पहली बात है कि उनको अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। अगर पानी भी कम, कई लोग पानी बहुत ज़्यादा नहीं पी पाते, तो उस केस में वो लोग कोकोनट वाटर ले सकते हैं, बहुत सारी सैलड खा सकते हैं, जैसे खीरा ले सकते हैं, ककड़ी मिलता है इस मौसम में, बहुत हरी सब्जियाँ मिलती हैं, तो उनका इनटेक बढ़ा दें। और कोकोनट वाटर बहुत इजीली मिल जाता है, जरों में जूसेस मिल जाते हैं, आप जूस पी सकते हैं, इससे आप हाइड्रेटेड रहेंगे तो आपकी स्किन भी ठीक रहेगी और आप भी हेल्दी फील करेंगे।